संदीप को कैसा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है वो मेरे दोस्तों के साथ ज़्यादा घुलती मिलती है, उनकी बात ज़्यादा मानती है, और मेरे दोस्तों के कारण वो आजकल मेरे को इग्नोर कर रही है और धीरे धीरे मेरे से बात करना बिल्कुल ही बंद कर रही है और बिल्कुल ही मेरी लाइफ से चली गई है। तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लाइफ में वापस आ जाए। तो संदीप हमें एक बात है ना यहाँ पे इग्नोर करनी नहीं चाहिए कि लड़कियाँ हमेशा ग्रुप में सोचती है, उनको वो चीज़ से पसंद नहीं होती है, उनको वो चीज़ पसंद होती है जो दूसरों को पसंद हो, जो उनके दोस्तों को पसंद हो, जो उनके फ्रेंड्स को, उनके फ्रेंड बोलते हैं कि ये बंदा अच्छा है तो वो उनको मजबूरन उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है। अगर उनके दोस्त आपके बारे में कुछ भला बुरा करते हैं तो उनको कुछ ना कुछ उस पर रिएक्ट करना ही पड़ता है। इस चीज़ों के बारे में कई लड़कियाँ होती है सोचे समझे बिना भी किसी लड़के को डंप कर देती है क्योंकि उनको दोस्तों को अच्छा नहीं लगता। इन चीज़ों को हमें इग्नोर नहीं कर सकते, हम उनके दोस्तों को कभी ना कभी इग्नोर नहीं कर सकते, उन्हें हमें कवर करके ही रखना पड़ेगा। मेरा भी ये प्रॉब्लम था कि मैं जिस लड़के के साथ रिलेशन में होता था तब मैं सिर्फ उस लड़के को ही ध्यान देता था, मैं उनको फ्रेंड को कभी इतना भाव ही नहीं देता था, उनसे मुझे कोई मतलब ही नहीं था। तो मेरे को भी यहाँ पे प्रॉब्लम होते हैं क्योंकि उनके ग्रुप को अच्छा नहीं लगेगा तो उस लड़की को भी अच्छा नहीं लगेगा। आपको उनके ग्रुप को फोड़ना है, अगर आप उनके ग्रुप में घुस सकते हो तो मैं कहता हूँ डायरेक्टली डांग लड़ा जाओ और उनके ग्रुप को दिखाओ कि आप क्या हो, आप में क्या क्वालिटी है, आप कैसे लड़के हो, आप में क्या स्मार्टनेस है। अगर उनके ग्रुप में आपकी तारीफ होने लगेगी तो भाई वो लड़की आपको आके अपने हाथों से उठा लेगी। ये बहुत ही बड़ी लड़कियों का एक फंडा है जिनको हमें समझना चाहिए कि वो ग्रुप में सोचती है एक्चुअल में, तो उनके ग्रुप में ऐसी अपनी वैल्यू बढ़ाओ, अपने इंप्रेशन दिखाओ उनके ग्रुप में जाके, और उनके फ्रेंड के नज़र में आप ऊपर उठ गए तो उनकी नज़र में वैसे ही ऊपर जाओगे और आपकी गर्लफ्रेंड छोड़ के चलेगी तो वो वापस 100% आ जाएगी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू कलर्स ऑफ लाइफ, मैं हूं जोगा राजा। तो आज के वीडियो में आपके कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, जो लोगों ने आपने मुझे कमेंट में कुछ क्वेश्चन किए उसके मैं आंसर देने की ट्राई करता हूँ, वो देखते हैं आज के दिन में हम कितने लोगों के आंसर दे पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, आज का पहला क्वेश्चन किसका है। पहला क्वेश्चन है नदीम का, ना बोलने वाली लड़की को कैसे हाँ बोलवाया जाए। ओके, गुड क्वेश्चन नदीम। कि जो लड़कियां होती है, मैंने इससे पहले ही वीडियोस बनाया था इसी की ये कमेंट है कि लड़कियां ना क्यों बोलती हैं। और तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लड़की को आप जब प्रपोज करते हैं तो पहली बार में तो ना ही बोल देती है। तो सीखिए इस फंडे को, आप समझने की ट्राई करिए कि लड़कियाँ ना बोलती है तो आप लड़कियों के इस फंडे में उनको समझने की शॉपिंग ट्राई करिए कि लड़की जब शॉपिंग करने जाती है, जब वो शॉपकीपर से सामने गई चीज़ों को मांगती है तो उस शॉपकीपर को समझने की कोशिश करिए, आप उस लड़की को समझ जाएंगे कि ना बोलने वाली लड़की को कैसे हाँ बोलवा दे। वो एक चीज़ दिखाता है, वो लड़की कहती है कि ये मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो दूसरी चीज़ दिखाता है कि वो कहती है लड़की के इसमें ये कलर नहीं है, आप मुझे दूसरा कलर दिखाएं। तो वो शॉपकीपर जो करता है वो चीज़ ध्यान से देखनी, उनको समझाता है कि मैडम ये कलर नया है, ये आपके कितना अच्छा सजेगा, देखिए नई वेराइटी है, यहाँ वहाँ से आई है, ये अभी के फैशन में है, ये बहुत पॉपुलर है, आप जैसी लड़की पे ये बहुत ही खूबसूरत है। मगर जो शॉपकीपर की स्टाइल होती है आप उनको देखना भी। हमें लड़कियाँ जब रिजेक्ट करती हैं तो आप क्या कहते हो, आपका दिल रुक जाता है, आपको लगता है आपने उन्होंने आपको एक बार में रिजेक्ट कर दिया। तो लड़की ना बोलती है तो उसका मतलब सिर्फ ये होता है कि अभी नहीं, यानी कि लड़की जब ना बोलती हो तो उनको सिक्योर फील होता है, यानी कि जब भी अचानक से उनको कोई प्रपोज कर देता है तो वो फटाफट से एक ही वर्ड्स मुंह में से निकालती, वो है कि ना, उसका मतलब होता है कि अभी नहीं। तो यार जो आप शॉपकीपर करता है, आपने मंदिर में पुजारी को देखा होगा, वो हर भगवान को प्रार्थना करता है, उसकी पूजा करता है सुबह शाम दोनों टाइम, क्या उसको भगवान तभी ना तभी कुछ पैसे निकाल के दे देते हैं या उनको वरदान देते हैं कि तेरा ये हो गया, कुछ ना देते ना, फिर भी वो लगा रहता है ना, क्योंकि उनका विश्वास है। इसी तरह से आपको भी उस पर विश्वास रखना होगा क्योंकि लड़कियों का ये एटीट्यूड है कि वो ज़्यादातर उन चीज़ों में मतलब इतनी अंदर ना घुस जाए, उनको उसी तरह से देख ना ले, पहचान ना ले, चांस पीस ना कर ले, तब तक उनको डायरेक्टली हाँ नहीं बोलती। वो आप में देखेगी कि क्या आप काबिल हो, क्या आप उसके बॉयफ्रेंड बन सकते हो, हर तरह से आपको तराशेगी। तो आपको यहाँ से भाग जाना नहीं है, हार जाना नहीं है, और अपनी बेस्ट देने की ट्राई करनी है, उनको इम्प्रेस करने की ट्राई करनी है। वो आपको रिजेक्ट करती है तो लड़की ज़्यादातर यही बोलती है कि नहीं तुम तो मेरे जस्ट फ्रेंड हो, या तुम सिर्फ मेरे फ्रेंड बन सकते हो। तो उनको बोलना है कि इट इज़ ओके और फ्रेंड बन के उनको इम्प्रेस करना है, उनकी ना से डर जाना नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है ऋत्विक का, ऋत्विक का क्वेश्चन ये है कि मेरे साथ कोई लड़की प्यार क्यों नहीं करती। तो इसका मैं आपको आसान से जवाब देता हूँ कि कोई लड़की आपसे प्यार क्यों करे और आपने इसके लिए क्या किया है। इसमें दो चीज़ होनी चाहिए, आप में ऐसी कोई क्वालिटी होनी चाहिए
एक लड़के जैसी, एक लवेबल मैन जैसी, ताकि लड़के आपको प्यार करें। और दूसरी चीज, लड़कियों को इम्प्रेस करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं होती कि आप बहुत हैंडसम हो। हाँ, अच्छे लड़के को, अच्छे दिखने वाले लड़के को कोई भी लड़की होती है वो सामने से भी प्रपोज कर देती है। लेकिन एक मर्द होता है वो कभी इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता, वो अपने दम पे लड़कियों को पटाता है। और वो मर्द ही क्या जो लड़की को ना पटा सके, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, पहले अपने आप को बेटर बनाना है, देखना है कि आप में क्या क्वालिटी है। मर्द जैसी क्वालिटी होनी चाहिए, आपकी आवाज़ में वो ताकत होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए कि लड़की आपको पसंद करे, वो देख के लगना चाहिए कि बी अ मैन, एक मर्द है यार, तो कोई भी लड़की आपको लाइक करेगी, पसंद करेगी। और उसके लिए आपको इनको इम्प्रेस करना पड़ेगा, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना पड़ेगा। अगर आप शर्माते हो, लड़कियों से बात नहीं कर सकते, तो बात बनेगी नहीं। ये दो चीज़ों को अपने आप में इम्प्रूव करो भाई। कभी कभी ये चीज़ें जो आपने कही ना, वो मेरा भी प्रॉब्लम था। एक दिन मैं यही कहता था कि इस दुनिया में सबसे जो मुश्किल काम है वो है लड़की बनाना। लेकिन अभी आराम से बैठा बैठा यही समझा रहा हूँ कि इस दुनिया में कोई ईजी काम है ना, तो वो है लड़की बनाना। क्यों? क्योंकि लड़कियों का फंडा है ना, समझ में आ जाए तो ये बहुत ईजी है, लेकिन नहीं आएगा तो ये बहुत ही टफ है। चलो, तीसरा क्वेश्चन है और नवीन का है। मैंने अभी वो क्वेश्चन पढ़ा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नवीन तुम्हारा, और ये घबराने वाला, लड़कों को बहुत ही परेशान कर देने वाला क्वेश्चन है। नवीन का क्वेश्चन ये है कि भाई, मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को आई लव यू बोलती है, मेरे से बात करती है, सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे को ऐसा बोलती है कि मैं कोई दूसरे लड़के को ढूंढूंगी और फिर उसे प्यार करूंगी। तो लड़कियाँ यहाँ पे साबित क्या करना चाहती हैं, ये ब्लैकमेल कर रही है। तो ऐसा अगर कोई लड़की अपने बॉयफ्रेंड से बोले तो मेरे भाइयों की हालत बहुत टाइट हो जाती है, उनको लगेगा कि यार मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को छोड़ने वाली है। तो लड़कियाँ ऐसा क्यों बोलती हैं, बहुत बार बोलती हूँ कि आपने देखा होगा कि वो आपको कहती है कि यार हम बस में जा रहे थे तो कोई लड़का मुझे बहुत घूर रहा था, एक लड़का तो मेरे घर तक मेरा पीछा करते करते आ गया, और यहाँ पर तो इसने, लड़की ने साफ कह दिया कि मैं कोई दूसरा लड़का ढूंढ लूंगी और उसे प्यार करूंगी। तो इसका मतलब क्या है? तो लड़की यहाँ पे क्या करना चाहती है, जब लड़के होते हैं उन पर ध्यान नहीं देते या अटेंशन नहीं देते, और लड़की जो चाहती है वो चीज़ें आप नहीं कर रहे हो, तो लड़की आपका ध्यान है उसकी तरफ खींचने के लिए और आपको डराने के लिए, वो देखती है कि आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन करते हैं। कहते हैं कि वो लड़का है मुझे प्रपोज करने आया था, मैंने उसको ऐसे ही रिजेक्ट कर दिया, लेकिन वो बोल रहा था मैं वापस आऊँगा। वो देखती है कि जब ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आती है तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, कि आप एक मर्द की तरह रिएक्ट करते हो, कि आपको गुस्सा आ जाता है, कि आप डर जाते हो। तो इसमें डरने वाली बात नहीं है, ये कि जब आप गर्लफ्रेंड ऐसी बात करते हो तो उनको समझने की ट्राई करो कि उन्होंने बोला क्यों, क्या वो आपसे कुछ बुलवाना चाहती है, क्या वो कुछ चाहती है कि आप ऐसा करें और जो आप उनके साथ नहीं कर रहे, इसलिए वो इनको ऐसा बोलना पड़ता है, वो मजबूरी में बोलती है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, उनका नाम नहीं लिखा हुआ है इसलिए मैं उसको बोल देता हूँ, एक अनजान आदमी। तो क्वेश्चन है, मैं एक लड़की को देखता हूँ, वो लड़की भी मुझे देखती है, लेकिन मैं उसको उसके साथ बोल नहीं पाता और वो भी मेरे से कुछ बोल नहीं सकती, इसलिए हमारी स्टोरी कुछ आगे ही नहीं बन रही। अनजान आदमी, भाई मेरे भाई एक काम करो तो, कि तुम उस लड़की को देख रहे हो, वो तुमको देख रही है, ना वो कुछ बोल रही है ना कुछ तुम बोल रहे हो, ठीक है, इसलिए तुम्हारी बात आगे नहीं बढ़ रही। और तुम क्या कर रहे हो यार, मेरे को यह नहीं समझ नहीं आ रहा कि तुम कर क्या रहे हो, सिर्फ देख रहे हो, और तुम ये शायद वेट करेगी कि शायद वो लड़की आएगी और तुम्हें प्रपोज करेगी, ये अच्छा भी नहीं लगेगा यार। एक मर्द हो, आप में पहली चीज़ होनी चाहिए कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जाके डायरेक्टली उनसे बात करो, क्योंकि वो तुम्हारे लिए वेट करी, वो लड़की का काम बिल्कुल ही नहीं है। सामने से जाके बात करना, उनको इम्प्रेस करना, उनको प्रपोज करना, ये सारे काम आपकी फील्ड में, आपके साइड में आते हैं और आपको ही करने पड़ेंगे। तो एक लड़के में दम होना ही चाहिए कि उनमें कॉन्फिडेंस हो, ठीक है, उनमें इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि वो लड़की के आंखों में आंखें देखते बात करे, उनको प्रपोज करे, वो भी उसका हाथ झाड़ के, अगर पॉसिबल है तो। आपने इतना हिम्मत है, आपने इतना कॉन्फिडेंस है तो आपको वो करना चाहिए, चाहे फिर भले ना वो आपको रिजेक्ट कर दे, आपको तभी मना कर दे, फिर भी उसको इम्प्रेस करने की कोशिश जारी रखनी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी बात रियल में आगे बढ़े तो भाई आपको ये कदम उठाना पड़ेगा, और शायद वो लड़की सामने से आपको प्रपोज करेगी तो इतनी बात जमेगी भी नहीं। मेरे को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कोई लड़की आके प्रपोज कर देगी, आपको ही करना है, आपको ये कॉन्फिडेंस दिखाना है, उनको तो बहुत कुछ आपको करना है, उसके बाद वही आपको प्यार करेगी, ठीक है, लेकिन जब वो प्रपोज करने आएगी तो उसके बाद
फिर सारी लव स्टोरी में आप ही उनके पीछे घूमे तो दिखाया देगा। इसलिए मैं पहले आपको ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जाकर उनको प्रपोज करें और आप ही जाके उनसे पहले बात करें। तो दोस्तों आज के उस क्वेश्चन से और आगे भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर लूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे प्लीज़ लाइक करिए और शेयर करिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे यहाँ पर कॉमेंट में लिख सकते हैं वीडियो के नीचे, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा क्योंकि मैं इसे लव लाइफ और रिलेशन के बारे में बहुत सारे वीडियोज़ बनाता हूँ, तो आपको आसानी होगी आपकी रिलेशन में, लव लाइफ में। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो फिर मिलेंगे कैसे ऐसे वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।